नमस्कार, वेलकम टू चना दा प्रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल 2019 फोर्थ सेमेस्टर, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारा है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर किस तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, साथ में इसका सॉल्यूशन भी परफेक्टली देखेंगे। तो एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो शुरुआत करते हैं, जो एग्जांपल्स हमारे पास है, थियोरिकल पोर्शन हम नहीं देखेंगे। सो क्वेश्चंस जो है हमारे पास, फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, आपको 15 मार्क का फुल सम मिलता है, जो कि अशोक मैन्युफैक्चरिंग वडोदरा है सप्लाइड द गुड्स वैल्यू ऑफ 65,6,50,000 टू द उमेश डीलर ऑफ भावनगर। एक वडोदरा का बंदा है और दूसरा बंदा है भावनगर का। तो ये जो होता है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर CGST और SGST लगता है, जबकि इंटर स्टेट सप्लाई होता है, यानी अलग अलग स्टेट का अगर दोनों बंदे हैं तो उसमें हम IGST अप्लीकेबल करते हैं। तो पहला हमारे पास है, जो यहाँ पे रेट ऑफ आपको GST यहाँ मेंशन किया गया है, 18% GST अप्लीकेबल होगा। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल में, जो 6,50,000 का हमने अशोक को, अशोक ने उमेश के को बेचा है। तो पहले शुरुआत यहाँ पे लिखा है कि द गुड सोल्ड बाय अशोक दैट इज वडोदरा टू उमेश ऑफ भावनगर, दोनों सेम स्टेट के हैं। तो वैल्यू ऑफ गुड्स हमने लगा दिया 6,50,000, उसके ऊपर हमने 9% CGST और 9% SGST लगा दिया है ना। तो ये 18% है, तो CGST और SGST आधा आधा लगता है। तो इसके हिसाब से आप देखो तो गुड्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके पास हो गई 7,67,000। अच्छा, यानी इसका मतलब हुआ कि अशोक ने उमेश को माल बेचा और उमेश ने 7,67,000 का पेमेंट कर दिया अशोक। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आगे ऐसा है कि वही गुड्स दैट इज मिस्टर उमेश हैज सप्लाइड सेड गुड्स टू भाविन ऑफ भोपाल दैट इज मध्य प्रदेश एट द एडिशन ऑफ 25%, 25% उसने प्रॉफिट एड कर दिया और उमेश ने ये गुड्स बेच दिया किसको, भाविन को, जो कि भोपाल का है। यानी दोनों, उमेश हो गया गुजरात का और भोपाल सॉरी जो भाविन है वो भोपाल का, यानी मध्य प्रदेश का, दोनों अलग अलग स्टेट का हो गए। तो यहाँ पे IGST अप्लीकेबल होता। तो यहाँ पे देखे तो IGST के हिसाब से गुड्स सोल्ड बाय उमेश टू भाविन मध्य प्रदेश, ओके। तो इसके हिसाब से हमने वैल्यू ऑफ गुड्स 6,50,000 था, 6,50,000 का 20% इसके अंदर प्रॉफिट एड कर दिया और प्लस इक्वल टू आप कैसे पे कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 8,12,500, ओके। उसके ऊपर आप IGST लगा दो। IGST क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट के हैं। तो अब वो 18% जो मेंशन किया एग्जांपल के अंदर, वो IGST हमने 18% लगा दिया, तो वो अमाउंट हो गया 8,12,500 का 18%, यानी 1,46,250। कुल मिला के आपके पास अमाउंट हो गई 9,58,700, ओके। तो ये जो हो गया, ये उमेश ने भाविन को बिल बेच दिया 9,58,750 का और भाविन ने उसको पेमेंट कर दिया। अब बात करते हैं GST की। तो यहाँ पे उमेश की बात करें तो उमेश को गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना होगा, क्योंकि उसको जितना कलेक्ट किया है उसने भाविन से, वो अमाउंट की वो 1,46,250 उसका उसको पे करना होगा। लेकिन जब उमेश ने अशोक से माल खरीदा था तो उसको CGST मिला था 58,500 और 58,500 SGST उसने ऑलरेडी अशोक को पे कर दिया है, तो वो यहाँ पे दोनों माइनस करने होंगे। CGST भी माइनस कर दिया और SGST भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास IGST पेबल यानी उमेश को कितना पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 29,250, ओके। ये इतना पेमेंट कौन करेगा, उमेश गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज IGST पे करेगा। IGST हमेशा किसको पे किया रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया रखता है, और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया रखता है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आगे क्या है कि आगे जो बताया गया है कि भाई भावी ने भी वो गुड्स बेच दिया किसको, अली सागर। अली सागर जो है वो मध्य प्रदेश का ही है, यानी भाविन भी मध्य प्रदेश का और अली सागर भी मध्य प्रदेश का, तो उसने 35% प्रॉफिट ऐड करके क्या कर दिया, उसने माल आगे बेच दिया, ओके। तो हम अगर इसमें भी ऐड कर देंगे तो जो माल 8,12,500 का था भाविन ने खरीदा हुआ, वही 8,12,500 के अंदर 35% आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, सॉरी प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो आपको अमाउंट मिल जाएगी, दैट इज 10,96,875। That is goods sold by Bhavin to Ali Sagar, दोनों MP के हैं, दोनों एक ही स्टेट के होंगे तो CGST SGST लगेगा। तो 8,12,500 की गुड्स की वैल्यू होगी 10,96,875।
उसके अंदर सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% मिला के वो कीमत हो गई, यानी भावी ने बिल बेच दिया अली सागर को 12,94,313 रुपए का। अच्छा, अब ये कितना पेमेंट करेगा? अभी पैसा किसको मिला? भाविन को मिला है। तो भाविन कितना पेमेंट गवर्नमेंट को पे करेगा, कितना अमाउंट गवर्नमेंट को जीएसटी में पे करेगा, तो इसकी कैलकुलेशन हमने कर दी। देखो, उसको पे करना था सीजीएसटी 98,719, तो 98,719 तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा आईजीएसटी, जो कि उसने किसको बेच दिया था, जब उसने गुड्स बेचा था यहाँ पे उमेश को, तब उसने उमेश को पेमेंट कर दिया था। कितना पेमेंट कर दिया था आईजीएसटी उसने? टोटल 1,46,250 उसने पे कर दिया था। तो वो 1,46,250 जो अमाउंट है, उसमें से उसने क्या कर दिया, 98,719 यहाँ पे क्रेडिट ले लिया। कि भाई सीजीएसटी मुझे 98,719 पे करना है, तो ऑलरेडी मैंने तो 1,46,250 पे कर दिया है, तो आप मुझे माइनस दे दो 98,719। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना हो गया नील। अब बात करते हैं यहाँ पे एसजीएसटी की, 98,719 उसको स्टेट को भी, गवर्नमेंट नहीं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी देना था। तो ये 98,719 जो था, उसमें से बाकी का आईजीएसटी, बाकी का आईजीएसटी यानी 1,46,250 में इसने सेंट्रल गवर्नमेंट में 98,719 का तो उसने डिडक्शन दे लिया, तो बाकी का जो डिडक्शन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो बाकी का 47,531 उससे स्टेट गवर्नमेंट से भी एग्जेम्पशन ले लिया। यानी अब उसको गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है? सिर्फ 51,180। अच्छा, कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की कितनी इनकम हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी इनकम हो गई, और स्टेट गवर्नमेंट यानी एमपी की कितनी इनकम हो गई, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो अशोक ने उमेश को माल बेचा था, जो कि अशोक भी हमारा गुजरात का था, वडोदरा का, और उमेश जो भी था भावनगर, दोनों गुजरात के ही थे, तो इसका मतलब यहाँ पे सीजीएसटी एससीएसटी लगा था 58,500, 58,500। तो ये हो गया 58,500 सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, ये गुजरात गवर्नमेंट की इनकम। अब उमेश ने वो चीज़ भाविन को बेच दी, तो उमेश से जो वो चीज़ भाविन को बेच दी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें आईजीएसटी लगा था। कैलकुलेशन फिर से एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आईजीएसटी लगा था उसके अंदर, उसमें 29,250 रुपीज उसको आईजीएसटी पे करना था। आईजीएसटी किसको पे करना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो हमने लिख दिया 29,250, यानी उमेश जो भाविन सेंट्रल गवर्नमेंट में 29,250। अच्छा, अब बात करेंगे ट्रांसफर टू गुजरात गवर्नमेंट टू सेंट्रल। तो ये जो 58,000 था, ये गुजरात गवर्नमेंट की जो इनकम थी 58,500, वो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो क्रेडिट मिल चुका था, तो गुजरात गवर्नमेंट में से माइनस हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में 58,500, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे क्रेडिट मिल गया था उसको, राइट, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मिल गया। आप भाविन ने क्या किया था? भाविन ने अली को भेज दिया था। आपको पता है भाविन भी अभी मध्य प्रदेश का था और अली भी मध्य प्रदेश का था, है ना? तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, ये रही आपके पास कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से 51,188 एसजीएसटी पेबल होता है। तो उसने यहाँ पे लिख दिया 51,188 स्टेट गवर्नमेंट एमपी यानी मध्य प्रदेश को उसमें पे करना। अच्छा, उसमें हमने जो यहाँ पे क्रेडिट लिया था आईजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो अमाउंट क्या कर दिया है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में से हमने आईजीएसटी किया था। आईजीएसटी कहाँ पे होता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से माइनस कर लिया और हमने किसको दे दिया? एमपी गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। तो आप अल्टीमेटली देखोगे तो ये सारा जो टेबल है सीजीएसटी का जो टेबल है, इसको 58,500 प्लस 29,250 प्लस 58,500 माइनस 47,531, तो आपको अमाउंट मिल जाएगी 98,719, यानी पूरा कॉलम है उसका टोटल। सेल्स गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट को 58,500 माइनस 58,500, तो इसमें कुछ नहीं होगा, नेट इनकम कुछ नहीं होगी। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अरे सॉरी, एमपी मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये 51,188 प्लस 47,531, सो 98,719। समझ लो बच्चों, ये एग्जाम्पल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एस गवर्नमेंट यानी दोनों की इनकम सेम हो जाएगी, टोटल सेम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज हमेशा लगता है वो 9% 9% लगता है। तो ये था हमारा ये पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत इजी एग्जाम्पल है, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ऐसे ही एग्जाम्पल्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके और में आपको थियरी मिल जाएगी, अगर आपको थियरी करनी है तो थियरी भी कर सकते हो, लेकिन थियरी में चांसेस, पूछने वाले चांसेस बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको डॉट लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये टैक्स है, वहां पे आप अपनी ओन लैंग्वेज में मेंशन नहीं कर सकते। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन July 10, 2019 मिस्टर आशीष ऑफ पादरा गुजरात सप्लाइड 35 टन्स ऑफ केमिकल टू केमिकल टू द भाविक दैट इज ऑफ द मदुरई एट द रेट 80,000 पर टन, यानी 35 टन उसने केमिकल बेचा है 80,000 पर टन के हिसाब से। ओके, एंड ही हैज अ फॉलोइंग फ्रेट एक्सपेंस किया हुआ है। फ्रेट होता है 4,15,000 रुपये, पैकिंग का 75,000 है, वेटिंग चार्जेस यानी उसको तोलने का खर्चा है 30,000 रुपये, इंस्पेक्शन का 12,000 लगा दिया, कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज स्पेशली परचेज फॉर आशीष मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, यही चीज बनाने के लिए आशीष को सप्लाई करने के लिए 1.5 लाख का उसने स्पेशल परचेज एक्सपेंसिस किया हुआ था, लिखा हुआ कि इस कैन नॉट बी यूज अदर पर्पज, और कहीं पे ये काम नहीं लगता। अच्छा, इंस्पेक्शन चार्जेस आर डायरेक्टली बॉर्न बाय द मिस्टर भाविक, नॉट इंक्लूडिंग द इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर ये ऐड नहीं किया था लेकिन हम ऐड कर देंगे। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो जो ऐड करेंगे तो देखो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स आपका बन जाता है 28 लाख रुपए। ओके, उसके अंदर फ्रेट ऐड कर दिया 4,15,000, पैकिंग चार्जेस 75,000 ऐड कर दिए, वेटिंग चार्जेस 30,000 ऐड कर दिया, इंस्पेक्शन 12,000 कर दिया, स्पेशल चार्जेस जो 1.5 लाख रुपए था वो भी हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे मेंशन किया था कि स्पेशल चार्जेस 1,50,000। यहाँ पे बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पेड द सब्सिडी ऑफ 40 लाख्स टू मिस्टर आशीष टू सेटअप अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बादरा। ओके, उसने स्टेट गवर्नमेंट पे हेल्प किया। बच्चों याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सिडी दी है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। दिस सब्सिडी वॉज पेड इन ड्यूरिंग 1819 में दिया था उसने। भाविक इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट विद द 15 डेज ऑफ सप्लाई, 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है। ये बदले ने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया और पेमेंट कर दिया October 2019 में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया 25,000 रुपये। ओके, हाँ, उसको डिस्काउंट भी मिला था 18,000। तो आपको कैलकुलेशन करना है कि भी अबोव ट्रांजेक्शन से उसका कैलकुलेट द वैल्यू फॉर GST, लेकिन इसके अंदर GST रेट नहीं मेंशन किया गया, तो हमें सिर्फ गुड्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अच्छा, तो क्या होगा, तो हमने ये 1,50,000 ऐड कर दिए, डिस्काउंट 18,000 माइनस कर दिया, इंटरेस्ट रेट 25,000 प्लस कर दिया, तो वैल्यू ऑफ गुड्स विदाउट GST हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 34,89,000। तो इसके ऊपर जो GST रेट बनेगा वो GST हमें पे करना होता है, राइट। तो ये था हमारा GST वाला क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें मेंशन किया गया था, उसमें इनिशियली आपको थियरी दी गई थी और उसके बाद आपको एक और एग्जांपल दिया था। ये बढ़िया एग्जांपल है, 15 मार्क्स का फुल एग्जांपल है। उसमें आपको लिखा है कि भाई हरे कृष्णा एंटरप्राइज ऑफ LLP इज अ बिजनेस मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन इन द वडोदरा एंड यू सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पार्टनिंग टू द March 2020। इसमें सारे आपको पिछले साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दे रखा था, तीनों साल का IGST, CGST, SGST, बाकी सारे परचेजेस भी दे रखे थे कि भी कितने परचेजेस हैं हमारे पास। ओके, और नीचे आपको दोनों के सेल्स भी दे रखे थे कि भी टोटल आपका सेल्स आउटवर्ड सप्लाई मैन्युफैक्चर गुड कितना है। तो ये मिला के आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भी आपको ढूंढना है इसके अंदर के फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ GST पेएबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश बेस। ओके, इसके अंदर आपको बोला था कि एक अजम्पशंस करना है कि भी कंसल्टेंसी फीस जो है वो 50% यूटिलाइज फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स। तो कैसे करेंगे ये एग्जांपल्स, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ये हमने आउटवर्ड सप्लाई पहले काउंट कर लिया। आउटवर्ड सप्लाई क्या, हमने जो गुड्स बेचा है उसकी बात करी। तो क्वेश्चन के अंदर आप देख लो कि आउटवर्ड सप्लाई कहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, राइट। तो सेल्स के अंदर हमने जी लिमिटेड को भेजा था, हम है बड़ोदरा से, राइट, बड़ोदरा गुजरात, तो यहाँ पे हमें दिल्ली को बेच दिया जी लिमिटेड न्यू दिल्ली। गुड्स की वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख के ऊपर 18% GST लगा हुआ है। ये हमें आउटर कॉलम के अमाउंट नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ GST चाहिए यहाँ पे, तो हम इंटरनली जो अमाउंट दे रखी है अमाउंट 15 लाख वो लेंगे और उसके ऊपर GST काउंट करेंगे। तो 15 लाख के ऊपर हमने 18% GST लगाया, तो इसके हिसाब से हमारा हो गया इंटरेस्ट रेट तो 2,70,000 हमारा IGST हो गया। IGST में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम खड़े गुजरात के
और हमने बेचा है न्यू दिल्ली को, तो अलग अलग स्टेट का हो गया, तो IGST। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इसमें सेल्स मेंशन क्या था कि भी 80 लाख का था, एच लिमिटेड सूरत का। अभी एच लिमिटेड सूरत सूरत ही गुजरात में ही है, तो इसमें 10% डिस्काउंट भी देना था, आपने बोला था 10% क्या डिस्काउंट दिया है, तो 80 लाख में से पहले हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट यानी 8 लाख रुपए माइनस करेंगे, बाकी बचा 72 लैक्स। वो 72 लैक्स के ऊपर हम 18% GST अप्लाई करेंगे, और उसमें CGST SGST करके था। तो देखो यहाँ हमने 6,48,000, 6,48,000 दोनों पे अप्लाई कर दिया है, तो कुल मिला के हमें GST कितना पे करना है, तो ये अमाउंट हमें मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को 6,48,000, स्टेट गवर्नमेंट को 6,48,000, और IGST को 2,70,000, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पे करना है। अब हमें सारी परचेज आइटम्स भी दे रखी, तो ये ऊपर जो आपको एग्जाम्पल में सारी परचेज आइटम्स दे रखी थी, ये सारी इनवर्ड सप्लाईज हुई थी, इसमें हमने टैक्स पे कर रखा है, ओके, हमारे अगले सप्लायर को, तो वो हमें माइनस मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो क्रेडिट पड़ा है वो पहले हम लिख देंगे IGST CGST SGST का, सबसे पहले वो हमने लिख देना है यहाँ पे। सो इनवर्ड सप्लाई दैट इज परचेज, इसके अंदर हमने बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख दिया है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2,90,000, स्टेट गवर्नमेंट का 2,95,000, और 6,24,000 हमें एग्जाम्पल में मेंशन किया है। उसके बाद एक एक परचेज हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे और यहाँ पे एंट्री चेक करते जाएंगे। चलिए, सो फर्स्ट हमें परचेज बताया रखा था 2 लाख रुपए का, कहाँ से, पी लिमिटेड गोवा से, हम बड़ोड़ा से है वडोदरा, तो ये अलग इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, तो 12% 2 लाख के ऊपर हम लगाएंगे, तो इसके हिसाब से हो जाता है 24,000। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया IGST में 24,000, राइट, 24,000 IGST में अप्लाई कर दिया। इसी तरह से ये है क्यू लिमिटेड राजकोट, ये गुजरात का ही है, तो हम CGST SGST लगाएंगे, 3 लाख का 5% यानी 15,000 रुपये होता है, तो हम दोनों में आधा आधा लिख देंगे, 7,500 सेंट्रल गवर्नमेंट में, 7,500 स्टेट गवर्नमेंट यानी CGST SGST। उसके बाद हमारा यहाँ पे है रेंट पेड किया था अनलिमिटेड वडोदरा, वडोदरा में पे किया था, तो इट्स इंट्रा इंट्रा हो गया यानी CGST SGST, अगर एक ही स्टेट में है तो इंट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं, अगर दो अलग अलग स्टेट का है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, तो वो हमने लगा दिया 5,400, 5,400। पैकिंग मटेरियल टी लिमिटेड का था, वो नागपुर का था, यानी इंटर स्टेट लगेगा, तो ये 3,600 रुपये IGST हमने लगा दिया है, जो परसेंटेज के हिसाब से बताया गया था क्वेश्चन के अंदर, कि भी यहाँ पे जो आपको टी लिमिट का था नागपुर का, उसमें 20,000 रुपये का था, तो उसके ऊपर से ऊपर 18% हमने अप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पे बता दिया 3,600। कंसल्टेंसी फीस के बारे में आपको क्वेश्चन में ही बताया गया था कि कंसल्टेंसी फीस जो है वो आपका कैसा है, यहाँ मेंशन किया था कि 50% आपने कंसल्टेंसी फी सेल्फ कंजम्पशन के लिए था, यानी पर्सनल बेनिफिट के लिए था, तो हमें क्या करना था, सिर्फ 50% अमाउंट देना था, तो कंसल्टेंसी फी यहाँ पे 10,000 दे रखी है, उसका हमने 50% यानी 5,000 लगाया, तो 5,000 बिजनेस का, 5,000 पर्सनल का, तो जो बिजनेस का है वो पोर्शन हम लेंगे, वो 10,000 का 18%, ओके सॉरी 5,000 का 18%, 18,500 हमने करके यहाँ पे दोनों में 540 यानी 900 रुपीज होता है, CGST SGST लगा दी। अच्छा, इस तरह से प्रीस परचेज किया था एफ लिमिटेड भरूच से, भरूच भी गुजरात में आता है और हम भी गुजरात से, तो इंटरेस्ट रेट लगेगा, CGST SGST लगा दिया। और मिनी टेम्पो है SP ऑटोमोबाइल्स बड़ौदा से, यानी एक ही स्टेट में से हो गया ये भी, लेकिन यहाँ पे बोला था इसमें भी 10%, सॉरी इसके अंदर भी आपको बोला गया था कि परचेज ऑफ मिनी टेम्पो 5 लाख रुपए का था, राइट। अच्छा सॉरी, प्लीज के अंदर था आपका 3.5% डिस्काउंट, तो हमने 75,500 में से 3.5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 28% GST लगाया था, ओके। और ये मिनी टेम्पो जो था उसके ऊपर 5 लाख का 18% CGST SGST लगा दिया, तो हमारे पास हो गया 45,045। अब कुल मिला के हमें जो गुड्स परचेज किया है, राइट, तो इसके ऊपर हमने GST वापस लेना होगा गवर्नमेंट से, जिसे कहते हैं और टोटल GST रिसीवेबल या फिर इनवर्स, ये अमाउंट हमें मिलेगी, समझ लो इतना पैसा हमें गवर्नमेंट से वापस लेना है, और जो ये टोटल GST पेबल है इतना पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना है ना। तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए आप, हम दोनों कैलकुलेशन लिख दिया कि जो टोटल GST पेबल है दैट इज आउटवर्ड सप्लाई वो लिख दिया, और जो रिसीवेबल्स वापस लेना है उसको रेड करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि माइनस में,
तो हमें सीजीएसटी के बारे में देख लेते हैं पहले कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कितना करना है। 6,48,000, उसमें से 3,74,750 वापस लेना है, यानी नेट पेबल हमारा होगा देन 2,72,250। स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐसा ही किया आपने, तो उसमें से 2,68,000 हमें वापस लेना है गवर्नमेंट से, सॉरी पे करना है, जबकि आईजीएसटी हमने ज्यादा हमने पे किया हुआ है, तो ये हमें गवर्नमेंट से वापस लेना। तो ये दो सीजीएसटी एसजीएसटी हमें पे करना है और आईजीएसटी जो है हमें वापस लेना। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये मिलेगा, वापस लेने का काम गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो एडजस्ट करेगी। तो आईजीएसटी एडजस्टेड कॉस्ट विद आईजीएसटी और सेकेंड प्रेफरेंस में सीजीएसटी से एडजस्ट करता है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना पे करना था, 2,73,250। तो हम क्या करते हैं, आईजीएसटी जो हमारे पास ज्यादा पे करने वाला था, हमारा क्रेडिट है गवर्नमेंट के पास जमा पड़ा हुआ है, तो वो जमा हमने यहाँ पे 2,73,250 यहाँ पे दे दिया, हमने क्रेडिट ले लिया और अमाउंट कर दिया नील। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना भी है और पे भी करना है, तो हमने बोल दिया कि भाई चलो करंट ईयर का हमारा हिसाब खत्म हो गया, नहीं लेना भी देना। अच्छा अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट को हमने पे करना था 2,68,250, राइट। हमारे पास जो पैसा बच जाएगा वो आप देख लो कितना हो जाएगा। तो ये जो किया तो 6,27,500 में से ये 3,57,6,000 आप 600 माइनस कर लोगे, तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं बचती है ना। तो जितनी अमाउंट बचेगी वो सिर्फ बच रही है 83,850। तो उतना पैसा आप क्या कहाँ एडजस्ट कर लोगे, स्टेट गवर्नमेंट में एडजस्ट कर लोगे। तो आईजीएसटी एडजस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड प्रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी 2,68,250 में से 83,850 माइनस कर लेंगे, तो बाकी का हो गया 1,85,84,500। आप ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे करना है, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना तो वो भी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को 1,84,400 रुपीज आपको पे करना है। तो ये नेट जीएसटी पेबल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा ये एक एग्जाम्पल था, बढ़िया सा। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है मिसर्स अमृत एग्जीम लिमिटेड एज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ मशीनरी, जो ये कंपनी है जो क्या करती है, इम्पोर्ट करती है मशीनरी को फ्रॉम यूएस और कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू एंड द कस्टम ड्यूटी पेबल बाय द अमृत एग्जीम। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है कि कस्टम ड्यूटी कितनी होती है, इसके एसेसेबल वैल्यू क्या होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा इसका। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन लिख देंगे, जो कॉस्ट ऑफ मशीन हमें क्वेश्चन के अंदर $32,000 दे रखा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री 32,000। उसके अंदर जहाँ पे ये एक चीज याद रखिए बच्चों, कि जब भी आप कोई भी चीज आप वहां से मंगवाते हो फॉरेन से, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू ऐड होगी, तो ये वैल्यूएशन जो ऐड होती है उसके अंदर कॉस्ट होगी। और वहां पे अगर आप बाई शिप आ रहा है, तो शिप यानी वहां पे डॉक के आने तक के जितने भी एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएंगे। या फिर अगर बाय एयर आ रहा है, तो एयरपोर्ट से प्लेन वहां से निकलेगा, डिपार्ट होगा, वहां तक का सारा एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले हम इसके अंदर कॉस्ट के साथ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिपमेंट ये शिप से आ रहा है, तो फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ द शिपमेंट वो भी ऐड कर लेंगे। हैंडलिंग चार्जेस है पे टू द मशीन इन द शिप, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाइंग कमीशन कभी नहीं आता तो बाइंग कमीशन नहीं लिख सकते, हम सेलिंग कमीशन लिख सकते हैं, तो सेलिंग कमीशन ऑफ इम्पोर्टर लिख लेंगे। तो इतनी चीज हम बैलेंस के अंदर ऐड कर लेंगे। तो क्या है सॉल्यूशन के अंदर, कि कॉस्ट ऑफ मशीन $32,000, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो $800 मेंशन किया गया है, हैंडलिंग चार्जेस है $80 और सेलिंग कमीशन जो था वो $100। इसका टोटल करेंगे तो हमें एफओबी कस्टम मिल जाएगा जो हमें दे रखा था। तो ये एफओबी कस्टम वैल्यू हमारे पास हो गया सबका टोटल 32,000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 100, सो 32,980। अच्छा इसके अंदर एफओबी कस्टम के अंदर हमें ऐड करना होता है फ्रेट एंड इंश्योरेंस इफ गिवन, अगर दे रखा है तो उसके हिसाब से, नहीं दे रखा है तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, रूल बताना है। तो रूल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखो लास्ट टू लाइंस में आपको बताया गया है कि भी कॉस्ट ऑफ फ्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर नहीं दिया गया है तो 20% ऑफ एफओबी कस्टम्स आपको क्या करना है, एज अ फ्रेट लेना है। अच्छा इंश्योरेंस भी नहीं दे रखा, इंश्योरेंस चार्ज इज एक्चुअली पेड बट द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो
वो है आपका 1.125% जो हमने सॉल्यूशन में लगा रखा है। इफ रेंज इज नॉट गिवन देन 20% ऑफ एफओबी, तो एफओबी हमारे पास था $32,900, तो उसका 20% हमने ऐड कर दिया तो $6,596 हो रहा है। और इंश्योरेंस अगर नहीं दे रखा है तो 1.125% ऑफ एफओबी होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है $371, वो भी $32,980 के ऊपर काउंट कर दिया। ये एफओबी कस्टम्स के अंदर आपने प्रेज ऐड कर दिया, इंश्योरेंस ऐड कर दिया, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू आपकी होगी एसेसिबल वैल्यू इन डॉलर। अच्छा, तो एसेसिबल वैल्यू इन डॉलर मिल जाए तो इसको हम इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन रखती है। पॉइंट नंबर 9 कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, उस टाइम पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो था वो 12% था, एक्सचेंज रेट सीबीसी के हिसाब से 70 पर USD था और वो दी 24 मार्च बाद में। सेकेंड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड जो था उसमें रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 18% था और एक्सचेंज रेट वो 65 था। तो हमारे पास दो डेट यहाँ पे मेंशन है, एक 24 मार्च है और एक 20 मार्च है, ये दोनों डेट आपके पास है। तो हमें क्या करना होगा, विच एवर इज लेटर, इसमें से जो लेट डेट है यानी कि 24 मार्च, उसके हिसाब से हमें सब कैलकुलेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 12% हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी लेंगे और एक्सचेंज रेट कितना लेंगे, 70 रुपीज लेंगे। तो इसके हिसाब से देखो तो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, जो हमारे पास था 39,947.03 डॉलर था, इसको हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू हो गई 27,96,292 इंडियन करेंसी के हिसाब से। वहाँ पे आपको 12% बेसिक कस्टम ड्यूटी बोला गया था, तो 12% ऑफ एसेसिबल वैल्यू के हिसाब से हम काउंट करेंगे तो 27,96,292 का 12% लगाएंगे तो 3,35,555 हमारा मिल जाएगा। अच्छा, जब भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना है आपको SWS लगाना ही पड़ेगा, तो ये सोशल वेलफेयर जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर, तो वो होता है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी 3,35,555 का 10% होता है 33,555, तो ये 33,555 हमारा SWS हो। तो हम क्या करेंगे, एसेसिबल वैल्यू जो इंडियन करेंसी में है वो इसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी SWS इन सबको मिला देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 31,65,402। अच्छा, इसके ऊपर IGST लगाना होता है, IGST का रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि IGST इज एप्लीकेबल एट 18%, 18% आपको IGST एप्लीकेबल है, तो इसके ऊपर हम IGST अप्लाई करेंगे 18%, वो आपका टोटल 31,65,402 का 18% होता है, ओके, जो आएगा आपके पास 5,69,772। अच्छा, ये टोटल वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, IGST ऐड कर लेंगे तो हमारे पास लैंडेड वैल्यू मिल जाएगी। तो इंडिया में जो जब लैंड होगा वो प्रोडक्ट तो हमें कितने में पड़ेगा, वो 37,35,174 रुपये में, यानी 37,35,174 में आपको पड़ेगा। ओके, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हमें एसेसिबल वैल्यू, तो हमने एसेसिबल वैल्यू पहले फाइंड कर ली, लैंडेड वैल्यू फाइंड कर ली। और टोटल कस्टम ड्यूटी कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल कस्टम ड्यूटी फाइंड करने के लिए आपको लैंडेड वैल्यू में से एसेसिबल वैल्यू जो इंडियन करेंसी का था वो माइनस कर देना है। इसका मतलब 37,35,174 जो आपके पास है उसको, उसमें से आपको क्या करना है, जो इंडियन करेंसी में आपका एसेसिबल वैल्यू था ओके, उसको आपको माइनस कर देना है 27,96,292। ये अगर आप माइनस कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी आपका पेएबल, दैट इज 9,39,882.36। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जो 2019 का पेपर हमारे हमने सॉल्व किया था। ऐसा ही मैनेजमेंट का पेपर भी हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, और इसीलिए ऐसे ही वीडियोस हमें हमारे चैनल पे आते रहेंगे, आप देखते रहिए, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।